You're watching Priyansh Agrotech. Subscribe our YouTube channel and press the bell icon for latest update. Hello friends, you are watching your YouTube channel Priyansh Agrotech. Hello दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube channel Priyansh Agrotech. मैं हूँ प्रियांश पाटिला और दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, उस टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजर सिनेरियो. फर्टिलाइजर्स के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन और जो स्टैटिक्स रहे उन पर आज हम बात करेंगे डिटेल में कि क्या क्या और कैसी कैसी चीज़ें रही हैं, क्या अपडेट्स रहे हैं फर्टिलाइजर में. तो आइए बिना देर के इस टॉपिक को शुरू करते हैं. टोटल कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया 2017-2018 वर्ष 2017-2018 में भारत ने फर्टिलाइजर का कितना उपभोग किया है या कितना उपयोग रहा है, तो 26.79 मिलियन मीट्रिक टन जो कि है भारत का कुल कंजम्पशन रहा है 2017-18 में. इसी में अगर बात करें एनपीके यूज रेशियो इन इंडिया 2017-2018 एनपीके का कितना रेशियो रहा है भारत में, तो 6.2:2.5:1 ये रेशियो रहा है एनपीके के यूज का भारत में 2017-18 में. ऑप्टिमम यूज ऑफ एनपीके रेशियो, तो ऑप्टिमम रेशियो जो रहा है वो 4:2:1 रहा है. टोटल प्रोडक्शन ऑफ एंटी फर्टिलाइजर इन इंडिया ड्यूरिंग 2016 एंड 2017, तो 2016-2017 में ये जो प्रोडक्शन था 18.14 मिलियन मीट्रिक टन एंड जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो है वो 13.42 फास्फोरिक फर्टिलाइजर जो है वो 4.72 मिलियन मीट्रिक टन. प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, यूरिया में कितना प्रोडक्शन रहा है, तो 24.03 मिलियन मीट्रिक टन. डीएपी क्या प्रोडक्शन रहा है, डीएपी का प्रोडक्शन 4.65 मिलियन मीट्रिक टन. एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट तो 3.91 मिलियन मीट्रिक टन इसका टोटल उत्पादन रहा है. टोटल इंपोर्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर ड्यूरिंग 2017-18 कितना इंपोर्ट फर्टिलाइजर रहा है, कितना इंपोर्ट करवाया है, तो 2017-18 में जो टोटल इंपोर्ट्स रहे हैं वो है 15.44 मिलियन मीट्रिक टन, जिसमें यूरिया जो है वो 5.98 मिलियन मीट्रिक टन, डीएपी 4.22 मिलियन मीट्रिक टन, एनपी या एनपीके जो है 0.5 मिलियन मीट्रिक टन, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास जो है वो 4.74 मिलियन मीट्रिक टन रहा है. मोस्टली इंपोर्टेड फर्टिलाइजर जो है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट किए जाने वाला फर्टिलाइजर पोटास फ्रॉम जॉर्डन एंड तंजानिया, ये दो कंट्रीज है जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में पोटास जो है वो इंपोर्ट करवाया जाता है, एक्सपोर्ट करवाया जाता है. इंडिया इज थर्ड इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड सेकेंड इन कंजप्शन, भारत तीसरे स्थान पर है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में और उपयोग करने में दूसरे स्थान पर. चाइना इज फर्स्ट इन फर्टिलाइजर कंजप्शन, चाइना पहली स्थान पर है फर्टिलाइजर कंजप्शन में. पर हेक्टेयर कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया की अगर बात करें कि प्रति क्षेत्र पर कितना फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, तो अकॉर्डिंग 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार ये 135 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, यानी प्रति हेक्टेयर हम 135 किलोग्राम फर्टिलाइजर जो है वो प्रतिवर्ष यूज करते हैं. पर हेक्टेयर कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर हाईएस्ट किस राज्य में फर्टिलाइजर का सबसे ज्यादा कंजप्शन है प्रति हेक्टेयर, तो वो है पंजाब. और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो है वो कब पारित किए गए, तो 1985 में फर्टिलाइजर्स के साइड इफेक्ट्स को देखते हुए इनके कंट्रोल पर और इन पर बैन लगाने के लिए 1985 में ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो है वो पारित किए गए. नीम कोटेड यूरिया 45 kg का बैग होता है, जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए जानने वाली बात है कि नीम कोटेड जो यूरिया होता है उसका वेट जो होता है वो 45 kg का होता है. इनकॉर्पोरेटेड एज रेगुलर फर्टिलाइजर इन 2010, ये इनकॉर्पोरेटेड यानी अनऑफिशियली या अनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में बात करें तो 2010 में इसका सबसे ज्यादा रहा है. इंडोजेनस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नीम कोटेड यूरिया स्टार्टिंग 2014, भारत ने इसका जो उत्पादन है 2014 में शुरू किया. नीम कोटेड यूरिया इज सोल्ड एट 5% अबव द एमआरपी टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ कोटिंग.
नीम कोटेड यूरिया जो है 5% ज्यादा रेट पर बेचा जा सकता है उसके एमआरपी से। ऐसा क्यों? तो इसकी रिकवरी के लिए जो कोटिंग इस पर चढ़ाई जाती है उसकी रिकवरी के लिए इसको 5% अधिक रेट पर आप बेच सकते हैं। नीम कोटेड यूरिया से यूरिया बाय 20-30%, नीम कोटेड यूरिया जो है वो यूरिया को बचाता है, उसकी बचत करता है, 20-30% तक इसको उल्टे से बचाता है। अगला जो टॉपिक है इसी सेगमेंट में, अगला जो टॉपिक है न्यू यूरिया पॉलिसी जो कि 2015 में आई, क्या रही है न्यू यूरिया पॉलिसी, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो द गवर्नमेंट अलाउ द यूरिया प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस अप टू 100% ऑफ प्रोडक्शन एज नीम कोटेड यूरिया। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट वी हैव टू प्रोड्यूस मोर नीम कोटेड यूरिया एज एन इन द फैक्ट ऑफ नॉर्मल यूरिया। अगर हम बात करें कि साधारण यूरिया के मुकाबले नीम कोटेड यूरिया को 100% और कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, उस पर न्यू यूरिया पॉलिसी को इसमें इन्वॉल्व किया गया। साथ ही साथ 100% नीम कोटेड प्रोडक्शन की बात अगर करें तो यहाँ पर मैंडेटरी किया गया इसको 2015 में, साल 2015 में इस स्कीम को रेगुलर किया गया। इसके बाद न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की अगर बात करें तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है इसकी ये स्टार्ट की गई साल 2010 और 2011 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यह था कि वेयर अ फिक्स्ड रेट ऑफ सब्सिडी इज अनाउंस ऑन न्यूट्रिएंट्स द एनबीएस कवर 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एनबीएस जो है वो सब्सिडी को फिक्स करती है, प्राइसेस को फिक्स करती है, किन चीजों पे? तो न्यूट्रिएंट्स पर। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पे? तो ये जो है 3 मेगा न्यूट्रिएंट्स को कवर करती है, 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कवर करती है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आता है, एंड 2 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें जिंक और बोरान आता है, ये उनको कवर करता है और उनके प्राइसेस और पॉलिसीज को मेंटेन करता है। साथ ही साथ इसी सेगमेंट में अगर और आगे देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं पेस्टिसाइड कंजप्शन सिनेरियो 2017-18 पेस्टिसाइड सिनेरियो क्या रहा है। तो टोटल रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड इंडिया में 2018 तक जो है 287 पेस्टिसाइड अभी तक जो है वो इंडिया में रजिस्टर्ड है 2018 की रिपोर्ट के अनुसार। टोटल बैन पेस्टिसाइड कितने हैं इंडिया में जिनको बंद कर दिया गया है या जिन पर बैन लगा दिया गया है? तो 28 पेस्टिसाइड जो है वो बैन है। इसी में बात अगर करें सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी CTPIRC टू अफिलेटेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेफ इंफेक्शियस एंड क्वालिटी पेस्टिसाइड फॉर डोमेस्टिक यूज एंड एक्सपोर्ट। ये जो है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है वो ये डिसाइड करती है कि किन पेस्टिसाइड को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए और कौन से घरेलू उपयोग के लिए उपयोगी है। कॉटन क्रॉप फर्स्ट पैडी सेकेंड कॉटन द मेजर पेस्टिसाइड एप्लीकेशन आर फाउंड इन। सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड एप्लीकेशन किन में होता है? तो ये राइस कॉटन, राइस में सबसे ज्यादा और उसके बाद कॉटन है। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र एंड पंजाब आर द टॉप 3 स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 45% ऑफ पेस्टिसाइड कंजप्शन इन इंडिया। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पेस्टिसाइड यूज करने वाले स्टेट कौन कौन से हैं? तो ये पेस्टिसाइड यूज करने वाले टॉप 3 स्टेट जो है वो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पंजाब। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, बायोटेक क्रॉप्स की अगर बात करें तो टोटल एरिया इन वर्ल्ड अंडर जीएम क्रॉप की अगर हम बात करें तो ये है 11.07 मिलियन हेक्टेयर। इंडिया रैंक इन कल्टिवेशन ऑफ जीएम क्रॉप्स 5th, पांचवा इसका पोजीशन आता है। बीटी कॉटन में अगर बात करें तो बीटी कॉटन को जीएम क्रॉप का दर्जा प्राप्त है। द कंट्री विथ हाईएस्ट एरिया अंडर जीएम क्रॉप, यूएसए के पास सबसे ज्यादा एरिया है जो कि 75 मिलियन हेक्टेयर है। लीडिंग कंट्रीज इन ट्रांसजेनिक यूज, यूएसए पहले नंबर पर आता है, उसके बाद में ब्राजील, अर्जेंटीना, फिर कनाडा, फिर इंडिया। इंडिया का पांचवा स्थान है ट्रांसजेनिक फसलों के उपयोग में। द क्रॉप विथ हाइएस्ट एरिया अंडर जीएम यानी जर्मनी क्रॉप्स में, तो उसकी बात अगर करें तो सबसे ज्यादा सोयाबीन उगाया जाता है, उसके बाद मेज, देन कॉटन। अब एपेक्स बॉडी रेगुलेटरी सैचुरेटरी बॉडी फॉर अप्रूवल ऑफ
प्रपोजल रिलेटिंग टू रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो है वो इन क्रॉप्स को अप्रूवल देती है और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1989 में हुआ था। जीईएसी वर्क्स अंडर, ये किसके अंतर्गत वर्क करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर वर्क करती है। द फर्स्ट कॉमर्शियली ग्रोन जेनेटिकली इंजीनियर फूड वॉज फ्लेवर सेवर टोमेटो। ये क्रॉप सबसे पहले का ये फर्स्ट कल्टिवेटेड जीएम क्रॉप इन द वर्ल्ड की अगर बात करें तो सबसे पहले जीएम क्रॉप जो है सोयाबीन है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।